नमस्कार दोस्तों, पीतल के पात्र। हम सभी जानते हैं कि हर शुभ कार्य में हम पीतल का इस्तेमाल करते हैं। मिश्र धातु से बनने वाले ये बर्तन हमारे लिए कुछ खास होते हैं। या फिर हम अपने घर में कुछ भी आवश्यक कार्य कर रहे हो या फिर पूजा से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो तो पीतल के पात्र का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और पीतल का इस्तेमाल करना भी सबसे ज्यादा खास माना जाता है। हम सभी जानते हैं यानी कि पीला, इसका संस्कृत में और इसका अर्थ होता है, पीतल का मतलब होता है पीला। और यदि हम पीले को देखते हैं तो वह हमारे कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद होता है। कृष्ण का मनचाहा रंग हमारा पीला होता है। हम सभी जानते हैं जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन सभी निवासियों ने पीले कलर के वस्त्र पहने थे और खुद कृष्ण जी ने भी पीले कलर के वस्त्र ही पहने थे, इसलिए उस दिन खास माना जाता है। और पीतल के बर्तनों में यदि हम खाना बनाते हैं तो वह हमारे निरोग बनाए रखता है, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रखता है और खाने को स्वादिष्ट बनाता है। यदि हम पीतल के पात्र में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर पीतल के बर्तन में ही हम खाना बनाते हैं तो वह खाने को स्वादिष्ट तो बनाता है, साथ के साथ यदि हम पीतल के पात्र में खाना खाते हैं तो उससे हमारे खाने पर जो भी हमारा रोग होता है वह निरोग में बदल जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पीतल के पात्र में जब भी हम खाना बनाते हैं या फिर पीतल के पात्र में हम पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं तो उससे हमारे आइस का टॉनिक भी ज्यादा प्रकाशित होता है और हमारे आंखों में जितनी भी परेशानियां होती हैं वह भी दूर हो जाती हैं। हमारे शरीर में जितने भी विष होते हैं उनको खत्म करने के कार्य भी ये कर देता है। पीतल का बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम सभी जानते हैं कि पुराणों के अनुसार देखा जाए तो हम पीतल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते थे। पुराणों में चाहे वह राजा हो या फिर रंख हो, वह सभी ज्यादातर पीतल के बर्तनों में ही खाना खाते थे। पीतल के गहने भी बनाते हैं और गरीब लोग जो पीतल के गहने बनाते हैं वह धारण भी करते हैं और पीतल का पहनना बहुत ज्यादा खास माना जाता है या फिर पीतल का इस्तेमाल करना खास माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि पीतल के बर्तनों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना और भी ज्यादा खास हो जाता है जब हम उस चीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से उसे हमें फायदे होते हैं तो उन लोगों को उसकी ज्यादा चेतना भी होती है। सभी लोग दिवाली पर कोई ना कोई उपहार लेकर आते हैं या फिर गिफ्ट लेकर आते हैं। यदि हो सके तो इस धनतेरस पर आप पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पीतल के बर्तनों को खरीद कर लेकर आ सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तो खुश होंगी, उसके बाद आपकी जिंदगी में खुशहाली ही आएगी। हम सभी जानते हैं कि शादी में भी पीतल के कलश का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर लड़की लड़के के फेरे होते हैं वहाँ पर कलश रखे जाते हैं और कलश वह पीतल के होते हैं। वह दान पत्र या फिर पिंडदान के नाम से जाने जाते हैं और वह पिंडदान लड़की के नाम से किया जाता है और उसके माता पिता द्वारा दिया जाने वाला ये तोहफा बहुत भी ज्यादा खास होता है ताकि उसकी जिंदगी में आगे जाके भी कोई परेशानी ना आए, उसकी जिंदगी आराम से कटे, उसके लिए वह पहले से ही प्रार्थना कर लेते हैं। इसलिए पीतल का पात्र सबसे ज्यादा खास माना जाता है। हम सभी जानते हैं जब भी आपके घर में कोई लड़का या फिर लड़की होती है और जन्म होने के बाद कुछ लोगों को कुछ ज्यादा चेतना होने पर वह पीतल की थाली को चाकू से पीटते हैं और पीट के वह खुशी का इजहार करते हैं। वह बताते हैं कि हमारे घर में एक बच्चा आया है, जिससे कि ये खुशी का इजहार करने का अच्छा तरीका होता है। इसलिए पुराणों के अनुसार हम देखें तो आज भी इस युग में भी लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है पीतल का, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं और क्यों इसका पुराणों में इस्तेमाल ज्यादा होता था। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।